तरीका। ये पूड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और देखने से भी अट्रैक्टिव लगती है और काफ़ी खस्ता बनती है, और इसको हम बिना सब्जी के भी खा सकते हैं और सब्जी के साथ भी, अचार के साथ भी ले सकते हैं, अचार दही के साथ भी हम इसको सर्व कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियाँ लिया है, मैंने थोड़ी सी बनाया है तो मैंने थोड़ी सी सब्जी ली है, और इसके लिए मैंने लिया है 8-10 बीन्स, 1 गाजर, 1/2 प्याज और शिमला 3 मैंने लिया है, हरी मिर्च। इनको मैंने बॉयल कर लिया है थोड़ा सा पानी डालकर, और 1 कप मैंने मैदा लिया है और 1 कप आटा लिया है। सिर्फ मैदा से या सिर्फ आटा से भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा घी लिया है, 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने घी लिया है। बहुत ज़्यादा इसमें घी नहीं डालना है, तो पूड़ियाँ जब बनेंगी तो टूटने लगेंगी। और नमक ले लिया मैंने 1/2 टीस्पून, और इसमें कुटी हुई मिर्च ले लिया है 1/2 टीस्पून, अजवाइन लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, और इसको हथेली में रखकर थोड़ा सा उसको रगड़ लेंगे, इससे अच्छी खुशबू आती है, और इसमें डाल दिया है। और जो मैंने सब्जियों को पीस लिया है, थोड़ा सा पानी डालकर बॉयल करेंगे क्योंकि सब्जियों में अपना भी पानी होता है, और पीसने के बाद अगर ज़्यादा सब्जियाँ, ये जो लिक्विड है ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर ज़्यादा आटा यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए कम से कम पानी डालकर इसको बॉयल करें और कम से कम पानी डालकर इसको पीसें। और इस मैंने आलू लिया है, दो मीडियम साइज़ के आलू को भी मैंने अलग से बॉयल कर लिया था पहले से, और इसको मैंने ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है, इससे इसमें कोई भी गांठ नहीं आएगी। और हाथ से मसल कर आटे को गूंथ लेंगे, पानी की ज़रूरत होगी तो ही पानी लेंगे, नहीं तो ऐसे अच्छी तरह से मसल के गूंथ लेंगे। और ये आटा गूंथ गया है तो मैंने इसको रख दिया है, 10 मिनट के बाद इसको मैंने बनाना शुरू किया है, और थोड़ा सा फिर से उसको गूंथ लेंगे और छोटे छोटे से पेड़े से हम पूड़ियाँ बनाएंगे। तो पहले हम थोड़ी सी पूड़ियों को बेल कर रख लेंगे जिससे हमें उसको फ्राई करने में आसानी हो, और बहुत ज़्यादा पतली नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सब्जियाँ डली हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा पतली पूड़ी नहीं करेंगे, थोड़ा सा मीडियम ही रखेंगे और साइज भी छोटा रखेंगे। तो ऐसे करके मैंने छोटे छोटे से पूड़ियाँ बेल ली है, और गैस पे मैंने रख दिया है कढ़ाई गर्म होने के लिए, उसमें ऑयल डाल दिया है और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी इसमें पूड़ियों को डालें, और डालने से पहले छोटा सा टुकड़ा डालकर देख लें, अगर जल्दी से ऊपर आ जाता हो तो समझें कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है पूड़ी सेकने के लायक। और इस तरह से हाथ चम्मच से थोड़ा सा दबा दें उसको कि नीचे से ऊपर आ जाएगा, और इसमें वेजिटेबल डाला हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो नॉर्मल पूड़ियाँ बनाते हैं सादी उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसको कलर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट थोड़ा सा लग जाएगा टाइम इसमें, क्योंकि इसमें सब्जियाँ भी हैं और ये थोड़ा सा क्रिस्पी होने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस तरह से मैंने दूसरी पूड़ी भी डाल दी है, और इसको चम्मच से दबाते हुए सेक लेंगे, और ये आराम से अच्छी तरह से फूल जाएगी, ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने सब्जी डाली है तो ये पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से पूड़ियाँ फूल जाएंगी और काफ़ी फूली पूड़ियाँ बनेंगी। जब खाना हो तभी इसको बनाएं, और सर्व करना हो तभी इसको बनाना शुरू करें, और इस तरह से हम किसी भी रायते के साथ और या सब्जी के साथ या हम अचार चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। अगर इसमें मिर्च नहीं डालना हो तो बच्चों को भी लंच में डालकर हम दे सकते हैं, अगर मिर्च बच्चों को पसंद नहीं हो तो इसके डाल सकते हैं, बड़े लोगों को भी हम इसको टिफ़िन में दे सकते हैं। तो ये हमारी वेज पूरी तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी है, आप इसको ज़रूर बनाइए। थैंक यू।